अभी। कॉन्ग्रेट्स, शी इज फाइन नाउ। समीरा कैसी है? अरे चुप क्यों, बताओ ना, समीरा कैसी है? वो ठीक है, लेकिन तुम, तुम्हें क्या हो गया है अभी? मुझे क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, I'm fine। आज जो अभिमन्यु मेरे सामने बैठा है, वो इमोशनल भी है और डरा हुआ भी। लेकिन जिस अभिमन्यु को हम जानते हैं, वो तो बिल्कुल एक कोल्ड इंसान है, इमोशंस जिसे छू भी नहीं सकते, जिसके लिए अपने देश और ड्यूटी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अभी आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं कर रही थी, बल्कि मैं तो खुश हूं अभी, आई एम वेरी हैप्पी। और इस बात के लिए भी कि आज मेरे कलीग ने मुझे अपनी बहन का दर्जा दिया, एक प्यारे और पवित्र रिश्ते में बांधा है। अभी क्या इस रिश्ते के नाते मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूं? अभी तुम क्यों नहीं चाहते हो कि ये चमत्कार जो तुमने किया है वो किसी को पता चले? क्या वजह है इसकी? अभी तन्वी जिंदगी कभी कभी एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा करती थी जहां से रास्ते बहुत मुश्किल होते हैं। और मैं नहीं चाहता है कि जो दरवाजे मैंने बंद किए उन पे कोई और दस्तक दे। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, क्योंकि ऐसा करके मैं हमारे रिश्ते की इंसल्ट नहीं करना चाहती। लेकिन अभी डोंट वरी, सैम को अब होश आ गया है, वो अब ठीक है। और जानते हो अभी, उसने सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया है। अभी खुद से ज्यादा उसे तुम्हारी फिक्र है कि तुम कैसे हो, कहाँ हो। अभी क्या तुम उससे मिलने जाओगे? मैं मिलाऊंगी तुम दोनों, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तन्वी, जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। कई बार ये गुजरे हुए कल के सहारे आगे बढ़ती है, और कई बार गुजरा हुआ कल हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ऐसी ही कुछ मजबूरी मेरे सामने भी है, जल्दी तुम्हारे सामने मेरी मजबूरी आ जाएगी। बहुत से करीबी लोगों की दुआओं की वजह से आज मैं बच गई। तू, मम्मा, सम्राट, फरहान, ईशा और अभी? हाँ, अभी। He's very good। एक अच्छा सिपाही तो है ही, एक अच्छा इंसान भी है। मेरा कितना ख्याल रखा। हल्लर में जब रात को मुझे ठंड लगती तो मुझे कंबल ओढ़ाता। जंगल में वो खुद कितना थक गया था, लेकिन जब मैं थक कर गिर जाती तो मुझे अपनी आर्म्स में कैरी कर लेता। जब मैंने मिर्चें खा ली थी और पानी के लिए तरस रही थी और कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था, तो मेरे लिए कितना परेशान हो गया था। अब तो जैसे मुझे उसकी आदत सी हो गई है। तो रात को उसके खराटों की आवाज के बिना नींद ही नहीं आती। अच्छा, हाँ, पहले मैं उसे खड़ूस समझती थी, but
तो जादूगर है, he's a magician. और ऐसा जादू करता है कि हर कोई उसके पास में आ जाता है. पर मैं उससे बहुत नाराज हूं. मुझे एक बार भी देखने नहीं आया तन्वी. उसे पता भी है या नहीं कि मैं किस हाल में हूं. तू मेरा एक काम करेगी, उसे जाकर बोलना कि एक बार आकर वो मुझसे मिल ले, प्लीज. मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था. अभी आई होप कोई ऐसी चीज है जिसे मैं कर सकूं. वो तो मैं नहीं जानती. मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ. क्या? कल डिस्चार्ज होने से पहले क्या तुम एक बार समीरा से मिल सकते हो? अभी मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कभी तुमसे कोई फेवर नहीं मांगूंगी, पर इस बार प्लीज प्लीज हमसे मिल लो. ठीक है. क्या? रियली? यस. तेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई सा. आज वो खुद चलकर तेरे पास आ रहा है. ओह तन्वी, आई एम सो एक्साइटेड. ऐसे क्या देख रही है? जादू. क्या? प्यार का जादू. तेरे चेहरे की चमक, तेरे होठों की मुस्कान, तेरे दिल की बेसब्री, ये सब बयां कर रहे हैं दैट यू आर इन लव. लव? यस. प्यार. और उस खड़ूस के साथ. मिसेस मिश्रा, आप कितना भी छुपाइए लेकिन मिस्टर मिश्रा का जादू आपके सर चढ़कर बोल रहा है. तन्वी, वो कब आएगा? वो कल डिस्चार्ज हो रहा है तो ऑब्वियसली आज शाम को. वाओ. यार लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है. क्या? मम्मी जी. तो क्या हुआ? मम्मी जी को रहने दो. अच्छा तो ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं कि फरहान, ईशा और सम्राट को भी बुला लेते हैं. और हाँ, वीर सर को तो मैं भूल ही गई, अभी बुला के लाती हूँ. ओके तन्वी. नहीं. मैं तो सिर्फ तुझे छेड़ रही थी. डोंट वरी, आई हैव ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग. ऑल द बेस्ट.